27 दिसंबर को जब हमारी प्रदेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किया जाएगा जिसमें हमारे कोई ना कोई राष्ट्रीय नेता आएंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। 3 उपचुनाव के परिणामों के बाद हमारे कुछ कांग्रेसी मित्र कुछ हवा में उड़ना शुरू हो गए, कुछ इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है जैसे उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव जीत लिया और उनकी सरकार बन गई। मैं उनसे कहना चाहूंगा, मित्रों अभी दिल्ली दूर है, ये उपचुनाव हुए हैं और 1 साल का समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इन उपचुनाव के परिणामों को एक आई ओपनर की तरह लिया है। हमारी जो कमियां रही हैं हम उनमें सुधार करेंगे, हम नए स्तर पर रणनीति बनाएंगे और विश्वास के साथ कहते हैं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं वो सपने लेना बंद करें, उनकी असलियत भी जनता जानती है। अभी तो उपचुनाव था, जब मुख्य चुनाव आएगा तो मुख्य मुद्दा ये हो गया आपका मुख्यमंत्री कौन है, उसके लिए तो 12-13 दावेदार हैं।